कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सस्पेंस जारी। डीके शिवकुमार आज आएंगे दिल्ली, कल कहा आलाकमान ने बुलाया है दिल्ली जाऊंगा, मैंने जो आलाकमान से वादा किया उसे निभाया, कई लोगों ने इतिहास में पार्टी को ब्लैकमेल किया, मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं। डीके शिवकुमार का बयान। कर्नाटक जीत के चौथे दिन अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि राज्य का सीएम कौन होगा। सीएम का नाम कर्नाटक के इन दो कद्दावर नेताओं की खींचतान में फंस गया है। एक समय तक सीएम पद की रेस में आगे दिख रहे सिद्धारमैया के लिए डीके शिवकुमार ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल वे आलाकमान के बुलावे के बावजूद दिल्ली नहीं पहुँचे और बेंगलुरु में नाराजगी भरा बयान दिया। After Shrimati Sonia Gandhi has appointed me as the Congress President with trust, we have got a massive majority of 135. We are not in power with all the harassment, with all the trouble, with this double engine, with big force. Still, the people of Karnataka had faith in me and the party workers, and they have given me a gift of 135 plus one. हालांकि देर रात टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में डीके शिवकुमार ने कहा है कि वे आज सुबह 10:30 बजे बेंगलुरु से दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो ये साफ नजर आ रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की रसाकशी चल रही है और पार्टी आलाकमान को इसने मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन पार्टी इससे लगातार इनकार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहती है, इसलिए वो किसी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहती। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, राजनीति में इच्छा स्वाभाविक है, राजनीति में स्टेट को लीड करने की इच्छा में कोई गुरेज या बुराई नहीं मानी जानी चाहिए और सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला लाख मना कर रहे हैं कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम की कुर्सी का झगड़ा नहीं है, लेकिन वो सच नहीं है क्योंकि सियासी गलियारों में धुआं खूब उड़ रहा है और धुआं वही होता है जहां आग लगी होती है। ये सेंट्रल ऑब्जर्वर जो है अपनी रिपोर्ट वर्बली उन्होंने बातचीत करके समझाया है, अलग अलग जो राय आए, जो ओपिनियंस आए हैं, जो फार्मूलास आए हैं, सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो और यहाँ पे भी कंसल्टेशन कांग्रेस प्रेसिडेंट अलग अलग लोगों से करेंगे। पार्टी में जारी अंदरूनी खींचतान से आलाकमान पशुपेश में है क्योंकि उनकी नज़र आने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। संभव है कि आज डीके शिवकुमार के दिल्ली पहुंचने पर पार्टी किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सके।